नहीं उसकी कि टोन कैसी थी। ना भाई लड़कियां तो घूमत रह लो। अभी ना हम लोगों ने तो लंच वंच कर लिया था, आलू गोभी की सब्जी वब्जी खा ली थी, और फिर ना पापा को तो 2 बजे ही आ जाना था, बट पापा को तो 2 बजे ही आ जाना था, पर ना उन्हें ना उनकी ट्रेन ऐसे रो रो के चल रही थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा से ट्रेन लेट है, तो फिर अभी उनका फ़ोन आया कि वो बैठ गए हैं ऑटो में, और अभी उन्हें आधा घंटा पौना घंटा लगेगा वो करना है। मैं तो ऑटो बोलूंगी, हाँ ऑटो बैठे थे ऑटो। तो फिर क्या हुआ, अच्छा एक झापड़ मारूंगी, तो फिर क्या हुआ वो भी पहुंचने वाले हैं, और फिर हम मैंने तो घर को एकदम चकाचक कर दिया है, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरे पापा घुसेंगे ना, तो वो बैग रखेंगे कुछ रखेंगे, कहेंगे हाय घर इतना गंदा पड़ा, ये बिस्तर इतना गंदा पड़ा, लैपटॉप इतना गंदा पड़ा, ये वो बस मुझे झाड़ू लगाना है और बाकी सब मैंने सेट कर दिया है, चप्पल वगैरह रख दी है। सो बस अब पापा आएंगे, फिर देखते हैं कि पापा गांव से क्या क्या लेकर आते हैं, क्या क्या लेकर आते हैं। वैसे हमारे गांव में ना साग वाग के अलावा कुछ मिलेगा नहीं ऐसे एक्स फैक्टर जैसा, पर देखते हैं। मैं तो बोल रही थी पापा गोईठा भी ले आना यार यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है गोईठा, वहाँ पे हमारी खुद की गाय है, तो हमारी दादी खुद ही गोईठा बनाती है, गोईठा वही जो गोबर के उपले होते हैं वो, हाँ कंडे खुद बनाती है, हमारी पूरी छत पे सूखते रहते हैं। तो मैंने बोला यार हमारे घर में एकदम मस्त बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, सो ले आओ। पर पापा ने बोला कोई कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं क्या लेके जाऊँ इसीलिए मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये सारे हरकतें तुम ही कर सकते हो, तुम ही आना। यार पता है मेरा बहुत मन था कि मैं आपको अपना गांव घुमाऊं ये सब, बट मैं क्या करूं, मैं अपने ऊपर नहीं हूँ कि मैं जाऊँ खुद अकेले, मतलब कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर हैं, जो टिकट कराएंगे, जो एक्सपेंस करेंगे, सो फिर हम लोग गांव जाएंगे। अगर नहीं, अगर हम लोगों का मन भी है तो हम लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं खुद को मतलब आपको टिकट तो करनी पड़ेगी ना, मतलब आप करोगे, क्योंकि हमारे को 18 घंटे लगते हैं गांव जाने में, पर यार गांव जाने में ना बड़ा मजा आता है। जब मैं ना व्लॉग्स नहीं करती थी ना, तब हम लोग गए थे एक बार गांव, और मतलब हम लोग ना ट्रेन में बहुत सारा खाना लेके गए थे। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी को इतना बिजी होती थी हमें संभालना, सामान पैक करना, ऊपर सारे पापा को संभालना, ये सब करना, इसलिए मम्मी पूड़ियाँ भुजिया बनाती थी, और वो हमारा बिहारी का पेटेंट था। मतलब जो भी लोग बिहार की ट्रेन से जाती थी ना, वो लिट्टी भुजिया पूड़ी भुजिया कुछ कुछ नॉनवेज भी लेके चलते थे, बट हम लोग नॉनवेज खाते। फिर जब हम लोग बड़े हुए ना, तो फिर हम लोग राजमा चावल मैगी वैगी ये सब लेके जाते, क्योंकि मम्मी का ऐसे काम बढ़ गया ना, अगर मैं मम्मी के सामने बैठी हूँ, अगर मेरे मम्मी को बोला तो बोलिए काम बढ़ गया। अब मम्मी लगेज पैक करती है, हम लोग किचन देख लेते हैं, खुशहाली क्या, खुशहाली कुछ नहीं करती, खुशहाली उस दिन जिस दिन उसको ट्रेन पकड़नी होती है, वो पूरा टाइम वॉशरूम के चक्कर मारती रहती है, कहती हाय मेरा पेट, उफ मेरा पेट, हाय मेरा पेट, उफ मेरा पेट, और निकलते निकलते तक, मतलब मैं वो आप समझ जा रहा मैं क्या बात कर रही हूँ, निकलते निकलते तक वो कहती हाय मेरा पेट, उफ मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मतलब समझ सकते हो आप, ऐसे ऐसे है हमारे घर में नमूने। सो वो कुछ नहीं देखती है, और यश क्या करता है, यश तब भी पता नहीं कोई भी गेमिंग वीडियो देखेगा, कोई यूट्यूबर ने डाला होगा ना गेमिंग वीडियो, उसको लास्ट पे भी वही, और हम लोग अरे राजमा पैक किया, चावल पैक किया, अरे मैगी डाल दी, ये वो, नहीं मैं तो हो जाती हूँ तैयार, दीदी अब तू तैयार होने के लिए क्या है, तेरे को सलमा सितारे का सूट चाहिए, तो फिर उसको कुछ नहीं मतलब अच्छे से, मेरे को छुट्टियां नहीं करता, क्या फायदा होता है, हम जाते हैं स्लीपर बोगी में, तू कितना तैयार होगी हाँ मतलब हम तो फिर भी पहले तो हम लोग, मैं आपको पहले बताऊं, अगर हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हील वाली चप्पलें पहन के जाते थे ट्रेन जी सैंडल नए कपड़े लेके जाते थे, सितारों वाला कपड़ा, फ्रॉक सितारों वाली, मतलब हम इतने लुल थे, इतने गधे थे कि हम, कि हमें पता नहीं कि हमें पूरे टाइम तो बर्थ में सोना है, घसीड़े मारनी है, नहीं ये हील पहने के, इवन मैं तो आई शेडो वगैरह भी लगा लेती थी जब छोटी छोटी थी। अब तो मेरा पूरा मूड ही चेंज हो चुका है, मतलब मैं आगरा भी गई थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्लीपी फेस लेके गई थी, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा ना ऐसे ना गुस्सा आता है, हाँ मतलब मैं सोच सकते हैं मैं सुबह 3:30 बजे उठ के मैगी बना रही, पर मैंने खुद का मेकअप नहीं किया, मतलब रियली अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देखना, बहुत बातें हो गई, पापा और यश आने वाले हैं, पता है ना वो जैसे आएंगे ना, जैसे आएंगे ना हम उनके लिए वेलकम डांस करेंगे, क्योंकि उन्होंने 31st एंड 1st बार गांव में बनाया, मतलब 31st उनका ट्रेन में ही था, 1st उनका ट्रेन में ही था, मतलब उतरे वो,
और सही है ना, मतलब थोड़ा सा मम्मी के पास भी अपने जाना चाहिए। वहाँ भी यहाँ पे बोलते हैं कि हाय मम्मी मम्मी, और हाँ घर में थे आप। मेरे पास जिस दिन पैसा आएगा ना, जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा ना, उसे मैं दीदी को लेकर के शिमला भागूंगी। सही में किसी को लेकर जाओ ना जाओ, उस दीदी को स्पॉन्सर करूंगी मैं शिमला। और फिर दीदी और मैं ना जब अच्छी वाली ट्रेन में बैठे होंगे ना, फिर हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसेंगे, क्यों हम खुद अकेले जा रहे हैं शिमला। उस दिन मैं करूंगी, पक्का करूंगी। तब तक सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर। यशु बता, दादी ने कितने पैसे दिए तेरे को? सो अभी ना मतलब हमारे पापा, मैं ना जब पापा गाँव गए थे ना, अच्छा नहीं सुनेगी इसे तरसाओ, जब गए ना गर्मी लगती है, स्लीपर वाली ट्रेन में ग्रहण लग जाता है। तो अब मैंने ना पापा का जो थोड़ा बहुत सामान था ना उसको अनपैक कर लिया, बाकी सारे में तो ऐसे गंदे कपड़े निकले और कुछ निकला है मैंने जो काफ़ी ज़्यादा से मंगवाया था गांव से, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो मतलब मेरी जो चाची वगैरह की लड़कियाँ हैं वो लोग साग खोटती हैं, मतलब लेकर के आई थी, तो हम लोगों ने भी अपने लिए मंगवा लिया। तो ये रहा बथुए का साग है, और गांव की चीज़ें तो और भी ज़्यादा फ्रेश होती है। और यहाँ इसका मैं ना रायता वगैरह बनाऊंगी, वैसे कल परसों से बोल रही थी मैं मुझे रायते के लिए बथुआ ला दो, पर तब तक बाजार ख़त्म हो चुका था। सो ये देख रहा हूँ एकदम फ्रेश फ्रेश बथुआ। और उसके बाद हाँ ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था, पिछली बार तो बहुत बड़ा रायता है, इस बार तो छोटा सा ही लाए हैं। इस ये बथुआ है, तो ये क्या है? बथुआ ये पेठा है, और ये वाइट कलर का ही होता है, मतलब इसके ऊपर ना ऐसे कुछ लगा है, पर ये एकदम दादी दो दे रही थी पर एक ही लाए बोझे के। और पता है हमारे घर का उगा हुआ है, मतलब हमारे घर पे छत पे इसका ना प्रॉपर ऐसे लत्तर लगा है, तो ये उसका है। और ये क्या है? लौकी भी लाए हैं ये, तो इसका लौक जावर बनाएंगे गरम गरम। बोल रहे थे कि लौकी हम खाते ही नहीं है, लौकी इस साइज का था तो दो ले लेते। तो ये हमारे घर की फ्रेश लौकी है, चुप रहो मुझे बोलने दो। ये हमारे घर की फ्रेश लौकी है, मतलब ये और ये हमारे घर का है, एकदम हमारे छत पे उगता है ये। देख रहे हो आप, पंचायत वाली लौकी है ये, पंचायत वाली लौकी। और ये मिक्स साग है, ये भी मैंने मंगवाया था यहाँ पे ना, ये वाला साग नहीं मिलता है, मतलब गांव में तो ना ये जो साग कैसे छोटे छोटे है ना, उसको नमक के साथ खाते भी है। ऐसे मतलब ऐसे कच्चा भी खाते हैं इसको। मम्मी मैं बोल लो, इतना बोल रही हो, ये मिक्स साग है, इसमें चना सरसों वगैरह मिक्स है। और चने का साग तो देखने को भी नहीं मिलता है दिल्ली में, मतलब ये देख रहे हो आप, ये चने का साग है। और ये ना ऐसे ना बोरे में बंद बंद ना थोड़ा सा साग है, मतलब ऐसे हो गया, ऐसे हम लोग ऐसे खोल के रख देंगे। और ये ना फ्रेशली खेतों में से खोटा हुआ है, मतलब एकदम खेतों से लाया गया है, थैले में बांधा गया है, एंड इट्स अमेजिंग। देख रहे हो सब, पर इसको ना बीनना बहुत मुश्किल होता है, तो वो मम्मी कर लेगी बीनने वाला काम। और मम्मी मेरे को फोन करके बाद में कह रही थी कि चट्टी की दवाई इतनी सारी क्यों ले ली, पैसे बर्बाद कर दिए। और कुछ कुछ चीजें जो है पापा खरीद के लाए, जैसे कि ये कटहल, ये इस सीजन में मिलता नहीं, बहुत बहुत मुश्किल से एक ही मिला है। और ये गांव का बिहार का वो लेढ़ा कटहल है, सो ये इसे भी हम खाएंगे। और ये पापा लटको आपने खरीदा है, तो खरीद के ही तो लाएंगे, और कहां से लाएंगे? ये लटको क्या होता है? ये शक्कर पारे भी लाए, इसका कलर ऐसा क्यों है? गुड़ का है, थोड़ा जला रहा है। ये गुड़ का है, मतलब यहाँ पे जो मिल, यहाँ पे भी तो गुड़ का है। ये लटको भी लाए, मतलब इसे हमारे यहाँ लटको कहते हैं, वैसे ये ना शक्कर पारे है। मैंने ये देखो आप, ऐसे होते हैं। सो बस यही था हमारा गांव से मंगाया सामान। सो और एक और चीज लाया जो कि मेरी खुशहाली ने मंगवाया था, वो तो बिल्कुल ही अकड़ गई थी, स्टेशन पे मिलता है। सो सुधा का मिल्क कच्चा था, लेकिन
दो ना यार, यश तुम देखो नहीं सो ये ना सुधा के पेड़े, मतलब वहाँ पे ना मदर डेयरी वगैरह इतना फेमस नहीं है, वहाँ पे सुधा के पेड़े बहुत फेमस है और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा होता है। खुशहाली के कहने पे इसे खरीदा गया है, मतलब हमारे कहने पे साग आता है, खुशहाली के कहने पे पेड़े आते हैं, समझ रहे हो आप। और मेरे कहने पे कुछ नहीं है, मैंने कुछ पाई नहीं। सो ये पेड़े और ये क्या है पापा, चमचम, ये चम, ये रस गिर रही है क्या, ये चिपचिपी सी हो गई है, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। देख रहे हो आप ये कितना इस तरीके का है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। और ये पेड़ मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको, चार पांच बार खा लिया और वहाँ पर लेकिन सबसे अच्छा वाली एंडिंग सब्जी ना, बहुत अच्छी है यार, दीदी से भी अच्छी वाली एंडिंग सब्जी ना, वो जहाँ सबसे पहले गए थे ना, ओ तो ये इस प्रकार के है यार, इसमें से एकदम खुशबू आ रही है, मैं दिखा दूं, देखूंगी यार, देखना इससे भी अच्छी थी ये, ये देखो खुशी से भी अच्छी थी, पेठा पेठा, ये भी बहुत ही अम्मी लगता है, मैंने खाया हुआ है इसका टेस्ट। पहले ना सुधा के ऐसे तिल के लड्डू भी मिलते थे, वो मिलना बंद हो गए, यही मिल रहा है। सो यही था मेरा पापा का लाया हुआ सामान, हमने तो बोलते पापा समोसे भी ले आना, गोईठा भी ले आना, पापा बहुत दो चीजें तो लाए भी हाँ, क्या नहीं गोईठा क्यों नहीं लाए, ले क्यों रोता है, ले। तो इतना शोर हो रहा था कि मैं इसका रिव्यू नहीं दे पाई, ये बहुत अच्छी मिठाई थी, ऐसा लग रहा था मैं सिंपल खोआ खा रही हूँ, और इतना यम्मी था, एकदम फ्रेश थी, ट्रेन में आने के बाद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। जो चमचम था ना उसका, उसको मैंने टेस्ट ही नहीं किया क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पेड़ा खा लिया था, और अभी भी मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, बट मम्मी जो है वो पीछे इतना ज़्यादा पापा से हालचाल सबका पूछ रही है कि वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने इसका वॉइस ओवर करना पड़ा, पर बाकी बहुत अच्छी मिठाई। 85,000 समोसे आए हैं और हम लोग जा रहे हैं समोसे खाने, पापा ने बोला समोसे खा लो पहली बार, ये मुझे इसमें दे दो चटनी, मेरे को तो नहीं लगता मैं उतनी दूर तक पहुंच भी पाऊंगी। चलो भैया समोसे खाए जाएं, तो पता है यहाँ पे मैं समोसे खा रही थी और समोसे इतने यम्मी थे, मेरे पापा ने बोला कि इस वाली दुकान से बताओ ना, मतलब एक फेमस दुकान है वहाँ से हम लाए, और इतने बड़े बड़े समोसे थे ना, चटनी तो मज़ा आ गया, वैसे इसके समोसे ना बिना चटनी के भी अच्छे लगते हैं। और मैं बात बताऊँ मज़ा तो बहुत हम लोगों ने खाया, बट जो मज़ा पापा और यश के साथ आ रहा था ना वो कहीं नहीं आता, तो आप बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो अभी ना डिनर का भी टाइम हो गया था, तो पापा हमने सोचा था मटर पनीर बनाएंगे, बट पापा ने मना कर दिया कि मुझे मटर पनीर वगैरह कुछ नहीं खाना है। वैसे भी पापा अपने फैमिली के बीच में गए थे, तो पापा की इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हो रही थी कि वो थक गए हैं अब अच्छे अच्छे खाने से, वो कह रहे हैं मुझे दाल भात चोखा दे दो। सो दाल भात चोखा मैंने सारा रेडी कर दिया है, उसमें कुछ ऐसे एक्स फैक्टर था नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, और मम्मी भी अपने पहले प्यार के साथ मिल गई है, बिकॉज मम्मी का पहला प्यार, ओ सॉरी दूसरा प्यार है, पापा तो तीसरे नंबर पे आते, पहला प्यार मम्मी का खिचड़ी है, दूसरा प्यार साग है, और तीसरे पे पापा। सो ये रही मेरी मम्मी, अरे हटो, और ये रहा साग, मैंने भी नहाई भी नहीं हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रही हूँ, बट क्या करूँ यार, मैं जब तक नहाने जाऊँगी तब तक ये साग मेरी मम्मी बना देंगे, आई डोंट वांट कि मेरी मम्मी ये साग बनाए, मैं बनाऊँ, मैं चाहती हूँ। सो आपको पता होगा कि मतलब मेरे पापा और यश गांव गए थे, तो उधर से वो लोग साग वगैरह लेकर के आए थे, तो फिर मेरी मम्मी ने क्या किया ना, वो साग को जो बाहर अंकल बैठते ना जैसे साग काटते हैं, साग बेचने वाले अंकल, उनको उन्होंने बोला कि जितना केजी होगा उस हिसाब से आप हमें 10 रुपये दे देना, मतलब पर के जी 10 रुपीज़, तो 3 किलो निकला, तो हम लोग ने 3 किलो साग के 30 रुपये दे के उसे कटवा लिया, ठीक है। तो मम्मी ने बस ऐसे प्रेशर कुकर में सीटी लगा दी जैसे नॉर्मली साग को लगाई जाती है। अब आगे का प्रोसेस अब देखते हैं, तो ये साग कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये एकदम अभी इसमें से नमक मिलाया गया है, बाकी अब मैं इसे एकदम बिहारी ठेठ बिहारी वाला साग बना के दिखाती हूँ, घुटा हुआ साग नहीं, साग भात, मतलब हम साग को चावल के साथ ऐसे मस्त मिक्स करके खाते हैं, बहुत अभी मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। सो बस मैं बनाती हूँ, इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ये चाहिए लहसुन चाहिए मिर्ची चाहिए बहुत।
तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो लहसुन मिर्ची होगा उसे आपको बारीक काटना है। जब आप साग को प्रेशर कुकर करेंगे ना, तो जब आप ढक्कन खोलेंगे तो उसमें पानी होगा, तो उसको आपको कम फ्लेम पे अच्छे से पानी को सुखा देना है। और उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, लहसुन और मिर्ची को डालेंगे और उसमें अच्छे से मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जितना ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं साग का फ्लेवर आता है। और हम लोग ना कच्चा ही डालते हैं, बहुत सारे लोग ना कढ़ाई में तड़का लगाते हैं। हमारे बिहार में ना ये एकदम टिपिकल साग, भात वाला साग मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगता है। और पता है इसकी स्पेशल बात ये है कि इसको आप चावल के साथ खाओ, थोड़ा माड़ के साथ खाओ ना, और भी ज़्यादा यम्मी लगता है सच्ची में। आप बताना आपने कभी खाया या नहीं खाया। मैंने साग को भी मिक्स कर लिया है और ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और ये खाने में बहुत टेस्टी है, एट दैट सेम टाइम ये हेल्थ में भी बहुत अच्छा है। आप ये सारी चीज़ें ना दिल्ली में नहीं मिल सकती हैं आपको, मतलब मुझे पता है, और इसका टेस्ट इतना। तो मैंने यहाँ पे साग को और चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम ऐसे खाते हैं। मुझे पता है खाने दिखने में थोड़ा सा ऐसे अलग सा लग रहा है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मुझे हाथ से ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, चम्मच से मेरे से नहीं होती है शूशा। तो वो नहीं क्या था, एंड नहीं क्या था। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑफ कोर्स अगर आप साग भात के फैन हैं या बिहार से हैं तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, शेयर किए बिना मत जाना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपने फैमिली के साथ शेयर किया कि नहीं किया, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए कि बाय बाय।